हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक्स लॉ। ये टॉपिक हमारा मैकेनिकल फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा किताब में, क्लास 11 का ये टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ये विस्कोसिटी के बाद ये टॉपिक आता है। तो स्टॉक्स लॉ क्या है, क्या कहते हैं स्टॉक्स? स्टॉक्स कहते हैं When an object moves through a fluid, it experiences a viscous force. तो स्टॉक्स लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ होना चाहिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये लॉ सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। तो जब भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसका वेलोसिटी इस तरफ है तो इसके तरफ विस्कस फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर ही वैलिड है और किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं। और मैं बतला दूँ, एफ वी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर भी, ये भी है। ये स्टॉक लॉ का फॉर्मूला है, मैं इसे समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, इट इज सीन दैट द विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू the velocity of the object and is opposite to the direction of motion. तो मैंने ये जो यहाँ पे लिखा था स्टॉक्स लॉ, इसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है स्टॉक्स लॉ। स्टॉक्स लॉ कहते हैं कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे जब विस्कस फोर्स एक्ट करता है तो वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। वेलोसिटी जितना बढ़ेगा विस्कस फोर्स उतना ही बढ़ेगा। और ये अपोजिट एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। सो इस डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यही है हमारा स्टॉक्स लॉ। आई होप आप लोगों को स्टॉक्स लॉ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना।